तो कैसे हैं दोस्तों, मुसाफिर शोएब के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। अभी 45 डिग्री के आसपास हो रही है टेम्परेचर और दोपहर के बज रहे हैं 3। ऐसी गर्मी में नहाना तो बनता है, तो हमारे साथ जो हैं छुटकू पुटकू हैं माहिन और अहमद। तो हम लोग जा रहे हैं आज कालागढ़। आपको एक नई जगह दिखाता हूँ जहाँ पर पब्लिक इस टाइम बहुत ना रही है और बहुत ही फेमस जगह हो रही है वो, तो वहीं चलते हैं और वहाँ नहाते हैं और इन्जॉय करते हैं, दिखाते हैं आपको। साथ बहुत सारी बच्चा पार्टी है आज, थोड़ा दिखाइए कैमरामैन पीछे सबको। हाय, आज हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने और नहाने टर्मी कूल में, पाउडर लगा के ठंडा ठंडा कूल कूल पानी वाटर में। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं अभी हरेवली बैराज पे। ये देखिए हरेवली बैराज है, ये कैसे लाख पानी चल रहा है इधर भाई साहब। यहाँ का व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा। ये भी एक बैराज है कालागढ़ की नदी से, कालागढ़ के डैम से ही पानी आता है यहाँ पे और यहाँ लोग घूमने आते हैं बहुत। आज हम चला रहे हैं छोटी सी ऑल्टो गाड़ी जो ऑल टाइम फेवरेट है सबकी। अच्छा, पार्टी पूरी नहाने के लिए तैयार। तो हम हरेवली से निकल गए हैं गाइस और अब हम जा रहे हैं कालागढ़ की ओर। कालागढ़ जो है बहुत खतरनाक डैम है, बहुत बड़ा डैम है, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में गूगल के ऊपर। इतना प्यारा रोड है, दोनों तरफ पेड़ है और बीच में प्यारी सी रोड है। ऐसी रोड होनी चाहिए जिसमें गर्मी नहीं लगती है, और जो है अगर खाली पेड़ ना हो तो बहुत गर्मी लगती है। ये है हमारी ऑल्टो आज की और ये रास्ता जा रहा है पूरा कालागढ़। रास्ते में बच्चा पार्टी को हम पिला रहे हैं गन्ने का जूस। ऐसे ऐसे दुकान मिलेगी आपको कालागढ़ से 5-6 किलोमीटर पहले। सारे बहुत सारे बच्चे हैं और ये भाई साहब जूस निकाल रहे हैं। आज खूब धमाल मच रहा है गाड़ी के अंदर भाई, ये देखो ये दोनों खड़े हैं अलीगढ़ियन। सो दोस्तों, कालागढ़ के बहुत ही नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग, और कालागढ़ के पहाड़ यहाँ से दिखने शुरू हो गए हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर रह जाता है कालागढ़, उसके बाद आपको मैं ब्रिज दिखाऊँगा कालागढ़ का वहाँ पहुँचने के बाद, और फिर चलते हैं जहाँ पे हमें पहुँचना है। सो गाइस, आपको दिखाता हूँ मैं उत्तर प्रदेश का गेट, और यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश ख़त्म हो जाता है और उत्तराखंड लग जाता है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है गेट, वो देखिए तमाम फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं यहाँ पे, मस्त गेट बना रखा है। तो हमने अब एंट्री कर ली है उत्तराखंड के अंदर और हम पहुँच गए हैं बिल्कुल कालागढ़ पर। कालागढ़ की मार्केट इसे गेट क्रॉस करते के साथ ही मिल पड़ जाती है कालागढ़ की मार्केट। ये देखिए पहाड़ वहाड़, उत्तराखंड मतलब पहाड़, और हम पहुंच गए बिल्कुल नज़दीक बिल्कुल। तो ये गाइस हमने एंट्री कर ली है टाइगर कॉर्पोरेट पार्क के अंदर। ये है टाइगर रिजर्व कॉर्पोरेट पार्क और गाड़ियाँ जा रही हैं दबा के, बहुत सारी गाड़ियाँ। ये चेक पोस्ट नंबर 2 आ गया और भीड़ हो रही है बहुत, अभी से लग रहा है मुझे। इस जगह शेर रहता है गाइस, बहुत शेर मिला था हमें यहाँ पे, मिला था इस जगह पे शेर लेपर्ड। ये सामने आप देख रहे हो ये है रामगंगा बांध, सैडल बांध, और ये जो लेफ्ट साइड में हमारे वो है कालागढ़ का बांध। तो हम लेफ्ट साइड में ही जाएंगे इधर की तरफ। ये देखिए ये है वो बांध। पानी बढ़िया चल रहा है एकदम, यहाँ से हिरन वगैरह सब दिखाई देती है गाइस। सो ये है वो कालागढ़ का बांध बैराज, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है कालागढ़ बैराज अफजलगढ़, और यहाँ पे है इसका गेट, और ये आ रहा है पानी कालागढ़ का। और आपको मैं हिरन दिखाता हूँ बहुत सारी, ये देखिए कितनी सारी हिरन टहल रही हैं वहाँ पे।
ये सारी डियर है यहाँ पे, मगरमच्छ भी रहता है, टाइगर भी रहता है, एवरी सारे जानवर रहते हैं यहाँ पे। ये देखो ये टहल रही है हिरन, कोई इधर खा रहा है, कोई उधर खा रहा है, और ये पानी आ रहा है, इसी पानी में हमको नहाना है। ये नदी है और ये डैम में से आ रहा है पानी, इससे बिजली बनती है। गाइस यहाँ पे जो है ना पब्लिक बहुत आ रही है आजकल नहाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम से आते हैं हम लोग, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, पर इस साल बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। इस बार हीट वेव है तो हीट वेव को ठंडा करने लोग आते हैं। ये देखो ब्रिज के ऊपर भी काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पे फोटो शूट वगैरह हो रहा है। और सामने जो आप गेट देख रहे हैं चेक पोस्ट नंबर 4, इसके आगे एंट्री नहीं होती है किसी की भी, क्योंकि ये बांध में जाता है, बांध मेन जो डैम है कालागढ़ का उसमें जाता है ये मुख्य बांध। ये देखिए पब्लिक ही पब्लिक है, पूरी फैमिली आती है बहुत सारी यहाँ पे। इससे आपको लेफ्ट मुड़ जाना है, लेफ्ट मुड़ने के बाद में थोड़ी दूर चलेंगे एक छोटा सा फार्म हाउस आएगा, बस उसी के बराबर में सब लोग नहाते हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं। आपको मैं नज़ारे दिखाता हूँ इधर से, देखिए कितने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। ये है राम गंगा नदी जिसको बोलते हैं हम लोग, कालागढ़ का गेट है ये, सोना नदी रेंज। ये सोना नदी रेंज पड़ता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर। शाम होते ही यहाँ पे जो रोड पे आप चल रहे हैं अभी, यहाँ पे जानवर आने शुरू हो जाते हैं, लाइक हिरन, सांभर और लेपर्ड वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। सारी फैमिली जा रही है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे में यहाँ पे छुट्टी रहती है जो लोकल के काम करते हैं लोग, तो फ्राइडे के बाद सब घूमने निकल जाते हैं नमाज के बाद। यहाँ आप देख रहे हो ये दोनों तरफ जंगल का एरिया है, यहाँ पे जानवर बहुत आते हैं। तो जिस फार्म हाउस की मैं बात कर रहा था जहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, वो ये वाला फार्म हाउस है जो आपको दिख रहा है सामने। इस फार्म हाउस के बराबर में बस नदी का किनारा है, वहीं पे लोग नहाते हैं सब, और हम भी वहीं जा रहे हैं नहाने के लिए। मेला सा लगता है यहाँ पे, आज का सहजदारा फेल है, बहुत भीड़ है आज फ्राइडे के दिन। देख रहे हो आप कितनी भीड़ है, पब्लिक देखिए, खाने का सामान भी नहीं मिल रहा है, और अब तो बहुत सारे शिकंजी विकंजी के सब ठेले लगने शुरू हो गए यहीं पे। अब इधर ही नहाते रहो और खाते रहो, हमारी बच्चा पार्टी जो है वो रही सारी एक साथ और यहीं पे हम नहाएंगे। तो गाइस ये रौनक हो रही है, एकदम मस्त नहा रहे हैं बच्चे सारे बैठ के, ये देखो, और वहाँ भीड़ देखो एकदम साफ पानी है, शुद्ध बिल्कुल, हज़ारों पहाड़ों का पानी है ये और जड़ी बूटियों से निकला हुआ पानी है, बिल्कुल साफ पानी है, ठंडा तो एकदम होता है, बिल्कुल छील कप की भी बन जाएगी इन बच्चों की सबकी। सो गाइस ये देखिए बच्चों का मज़ा आ रहा है एकदम बेहतरीन, फुल एंजॉय कर रहे हैं सब, ये नहा रहे हैं और इधर ये हिरन ये पानी पीने आई है। ये देखिए कितनी प्यारी हिरन है, और ये बच्चे एकदम मस्त नहा रहे हैं, एकदम बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं, इन्हें भाई साहब को ठंड लग रही है बहुत और हम भी बेहतरीन करके नहा रहे हैं भाई। गाइस बॉडी देख रहे हो भाई की तुम, भाई बचाओ देखो भाई गाइस फुल मजा आ रहा है, बेहतरीन मजा आ रहा है, पानी बहुत चिल रहा है, देखिए तो कुछ इस तरीके की रौनक होती है यहाँ पे, सारी फैमिली आई हुई है, अभी तो भीड़ बहुत कम हो गई है। ये देखिए लगभग 3,000 से 4,000 लोग आते हैं डेली नहाते हैं, और बहुत ही प्यारा सनसेट होता है यहाँ पे। हम लोग जो है अभी कालागढ़ के अंदर है जो कॉलोनी है,
और ये जंगल का इलाका है कालागढ़ से सटा हुआ ही कॉलोनी से। दोनों तरफ घने जंगल हैं, कभी भी कोई भी टाइगर या कोई भी लेपर्ड वगैरह आ सकता है। हमने गाड़ी के शीशे बंद कर रखे हैं और बहुत ही के सेफ्टी के साथ चल रहे हैं हम लोग। सो गाइस ये देखिए आप, ये मंदिर है कालागढ़ पार्क, कालागढ़ के अंदर कॉलोनी में। और ये हिरन देखिए आप, ये देखिए आप, आगे भालू है, आगे भालू, भालू, भालू है आगे, ये भालू ही लग रहा है मुझे, भालू या फिर शेर। देखो गाइस कितने पास से आपको हिरन देखने को मिल रही है। ये दोनों तो हिरन है। गाइस थक हार के हम लोग जा रहे हैं घर पे, हमने नूडल्स खाया और फ्रूटी वगैरह भी बच्चों के साथ। और ये रोड है हरेली डैम जा रहा है वापस, और नगीना जा रहा है। 45 किलोमीटर है नगीना यहाँ से कालागढ़ से। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग, और गर्मियों में कैसी जगह है घूमने की आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।